120,000 का डाउन पेमेंट दो और घर ले जाओ। ये जो आपको है सीएनजी में भी आपको अवेलेबल होने वाली है। आपको मिनिमम डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा हर एक मॉडल का, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं डेल्टा मॉडल, डेल्टा प्लस मॉडल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जेटा, इसका जो अल्फा मॉडल है यानी कि टॉप मॉडल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं नेक्सा के शोरूम में और सामने आप लोग देख सकते हो फ्रॉन्क्स लगी हुई है और ये हमारी सेकंड टॉप मॉडल है। इसकी की आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलने वाली है। तो स्मार्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है और यहाँ सामने आपको मारुति का यहाँ पे आपको बैचिंग मिल जाएगा और की देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक मिलने वाला है। इस तरह से आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपका इसमें इंडिकेटर में आपका हजार्ड ऑन होता है एंड ऑफ होता है जब हम लोग लॉक अनलॉक करते हैं। बाकी जो है हम लोग इसका आज फुल फाइनेंस डिटेल्स करने वाले हैं क्लियर, और साथ ही साथ जो है इस फ्रॉन्क्स की क्या लेंथ होने वाली है, इसका हाइट कितना है, इनफैक्ट इसका व्हीलबेस क्या होने वाला है और इसका टायर का साइज क्या होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसका बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक का हर एक मॉडल का आपको प्राइस दूंगा मैं, और साथ ही साथ जो है आपको मिनिमम डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा हर एक मॉडल का, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ओके गाइस, तो मैं आपको सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि हमारी सेकंड टॉप मॉडल लगी हुई है जेटा मॉडल, जो कि हमारी 1 लीटर में आती है यानी कि 1000 cc की आएगी। बट अगर आपको 1.2 cc में चाहिए होगी यानी 1200 cc में आपको फ्रॉन्क्स चाहिए होगी यानी नॉर्मल में विदाउट टर्बो इंजन, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो वो आपको जो है सिग्मा और डेल्टा इन दोनों में मिलने वाला है। इनफैक्ट जो आपको सीएनजी में भी ये फ्रॉन्क्स आने वाली है वो भी आपको डेल्टा और सिग्मा में मिलने वाली है। अब चलिए मैं इस मॉडल की बात करूँ, तो ये मॉडल जो हमारा है इसकी हम लोग सबसे पहले एक शोरूम प्राइस की बात कर ले बिहार पटना में, तो बिहार पटना में जिसका एक शोरूम प्राइस होगा वो आपको होने वाला है 3,55,500 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या होगा बिहार पटना में, तो वो होने वाला है आपको 12,28,295 रुपीज़। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो मॉडल है इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होने वाली है। तो इसका जो मिनिमम डाउन पेमेंट होगा वो आपको होने वाला है 1,80,000। ये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको जो 3 ईयर्स का EMI जाएगा तो वो आपको होने वाला है 31,000। तो 5 ईयर्स में जो EMI होगा वो होने वाला है 20,070 रुपीज़। 7 ईयर्स की बात करें तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI होगा वो होगा आपको 16,300 रुपीज़। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड डाउन पेमेंट की। तो अगर आप सेकेंड डाउन पेमेंट करते हो 4 लाख की, तो 4 लाख में जो इसका EMI जाने वाला आपको 3 ईयर्स के लिए वो होगा आपको 26,990 रुपीज़। 5 ईयर्स में जो इसका EMI होगा वो होगा आपको 17,603 रुपीज़। ये भी हो गया क्लियर। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि 7 ईयर्स में इसका EMI क्या जाएगा। तो 7 ईयर्स में जो इसका EMI होगा वो आपको होने वाला है 13,632। तो क्या ये मिनिमम EMI होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आपके लिए जो है इससे भी कम EMI कर देते हैं। तो अगर 50% तक आप डाउन पेमेंट करोगे, 6 लाख की अगर डाउन पेमेंट आप कर देते हैं, तो आपका जो EMI जाएगा 3 ईयर्स के लिए वो होने वाला है 19,051 रुपीज़। अगर बात करें 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स में EMI जाएगा आपको 12,425 रुपीज़। और अब बात करते हैं 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स में जो EMI जाएगा वो होने वाला है आपको 9,623 रुपीज़। जी हाँ, तो चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग इसके हर एक मॉडल की बात कर लें कि बेस मॉडल में जो है उसका प्राइस क्या होने वाला है, उससे ऊपर मॉडल की प्राइस क्या होने वाली है, इनफैक्ट टॉप मॉडल की प्राइस क्या होने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले जो है इसका बेस मॉडल से, जिसका सिग्मा नाम होने वाला है। तो उसका सिग्मा का ऑन रोड प्राइस मैं बता दूं आपको 8,59,640 रुपीज़। ये जो आपको है सीएनजी में भी आपको अवेलेबल होने वाली है। सीएनजी मॉडल का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट सारे मॉडल्स का आपको प्राइस दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मॉडल मैं बता रहा हूँ बेस मॉडल, इसका मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपको होगा, गेस करो आप लोग कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। मतलब 1,20,000 का डाउन पेमेंट दो और घर ले जाओ, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेल्टा मॉडल, जो कि हमारा सेकंड बेस्ट मॉडल है। उसकी अगर हम लोग ऑनरोड प्राइस की बात करें तो वो आपको होने वाली है 9,75,000। इसका आपको जो डाउन पेमेंट होगा वो क्या होने वाला है मिनिमम, तो ये आपको होने वाला है 1,46,000 आपको मिल जाएगी। अब हम चलिए बात करते हैं डेल्टा प्लस मॉडल। तो इसमें जो है आपको अगर हम लोग बात करें इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो प्राइस जो है आपको 10,13,000 की होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें डाउन पेमेंट की, तो डाउन पेमेंट इसका 1,50,000 है, बट 146 भी दो यार, चलो 146 भी दोगे तो आपको डाउन पेमेंट में ये मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बाकी प्रोफाइलिंग की बात हम लोग आगे करेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जेटा, जेटा मॉडल का जो आपको फाइनेंस डिटेल्स है मैंने क्लियर कर दिया, आपको पहले ही मिल चुका है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका जो अल्फा मॉडल है यानी कि टॉप मॉडल, उसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो वो जो है आपको होने वाली है 13,64,000। इसका डाउन पेमेंट का बात करें तो इसका डाउन पेमेंट जो आपको होगा वो 2 लाख के अप्रॉक्स आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स मैंने आपको जो दिया है आप एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव से क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने डाउन पेमेंट दिया
अगर इसके अलावा आपको बाय चॉइस कुछ और डाउन पेमेंट करना होगा तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करें, वो आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। इनफैक्ट आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आपको कौन सी मॉडल लेनी चाहिए आपके बजट के अनुसार। बाकी चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाला है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको तीन तरह के होंगे। सबसे पहला होगा आपका गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकंड आपका होने वाला है बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर होगा आपका एनआईपी यानी नॉन इनकम प्रूफ। तो तीनों जो है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, सबसे पहला आपको गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकंड आपका बिजनेस, और थर्ड आपका एनआईपी। तीनों की आप प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, जाके आप चेकआउट करो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, इसमें प्रोफाइल आप चेक करवा लेना कि आपका जैसा प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाउन पेमेंट लगेगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, तगड़ा होगा, अगर आपका जो सिविल है वो अगर 750 प्लस है, 800 है, तो मे बी आपको जो है मिनिमम डाउन पेमेंट पे आपको मिल जाए। मे बी क्या 100% मिल जाएगा यार, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो। बाकी अगर थोड़ा सा अगर प्रोफाइल डाउन होगा तो आप चेक करवा लेना, पॉसिबिलिटी होगी तो मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपको 8.99 to 10% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है अकॉर्डिंग टू योर सिविल और अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मतलब जैसा भी आपका प्रोफाइल हो, आप एक बार चेकआउट करवाओ, अच्छा होगा तो बेहतर मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है। तो बुकिंग अमाउंट जो होगा आपको 11,000 का होने वाला है इस फ्रॉन्क्स को बुक करने के लिए अपनी ड्रीम कार। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका बुक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड देना, आप आराम से बुक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका शोरूम डिटेल्स क्या होने वाला है। शोरूम डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, श्री गोपाल निक्सा अनिसाबाद बाईपास, जो कि हमारी तेज प्रताप नगर के बगल में होने वाली है, आपको स्क्रीन पे प्रॉपर डिटेल्स मिल रहा है। जाइए और चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके गाइस, तो सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसमें की मिलने वाला है फ्रॉन्क्स का, और सामने आप देख सकते हो इसका फ्रंट लुक। तो फ्रंट लुक जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मारुति की यहाँ पे आपको बैचिंग मिलती है जो कि आपको सिल्वर फिनिश में मिलने वाली है, और ग्रिल देख सकते हो आप लोग, ग्रिल काफी अट्रैक्टिव लुक मिल रहा है इसमें आपको। इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे डीआरएल जो आपको कुछ इस तरह का आपको होने वाला है, और साथ ही साथ जो हम लोग डाउन शिफ्ट होते हैं यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगा। और इसका मैंने फ्रंट लुक दिखाई दिया आप लोगों को, कुछ इस तरह का आपको फ्रंट लुक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइड लुक की, तो साइड लुक देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले मैं उसका व्हील दिखा दूँ, तो व्हील देख सकते हो इसमें आपको अलॉय मिलने वाला है, जो इसका साइज है वो आपको 16 इंच का होने वाला है। और इसका अलॉय देख सकते हैं मिडिल में आपको यहाँ पे मारुति की आपको बैचिंग मिल जाती है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर ले, तो इसका जो इंजन होगा आपको 998 सीसी का होने वाला है टर्बो इंजन, और साथ ही साथ जो है अगर नॉर्मल इंजन की बात करें जो कि आपका 1.2 सीसी का आएगा, वो आपको होने वाला है 1197 सीसी का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लेंथ क्या होने वाला है। तो लेंथ जो होगा आपको मैं फीट में बता देता हूँ, लेंथ आपको 13.1 फीट का होने वाला है। तो व्हीलबेस जो होगा आपको 8.26 फीट का होगा। अगर साथ ही साथ जो है विड्थ इसका क्या होने वाला है, तो विड्थ जो होगा वो आपको होने वाला है 5.79 फीट का। हाइट की बात करें तो हाइट जो होगा आपको 5.08 फीट का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें इसका माइलेज क्या आपको मिलने वाला है, तो इसका ARAI माइलेज जो होगा वो 20.01 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलने वाला है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी जो आपको 37 लीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अगर हम लोग ORVM की बात करें तो ORVM देख सकते हो, ORVM पे ही आपको इसमें आपको इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है। जैसे ही शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर का बेनिफिट ये है कि आप पॉकेट में की रखो और आराम से इसको यहाँ पे बस प्रेस करोगे तो आप देखिए ऑन कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी जो है इसमें आपको देख सकते हो इसमें आपको एसेसरीज लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको डोर पे जो आपको सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपको एसेसरीज में मिलेगा। और इसका आप रूफरेल देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव इसमें आपको लुक मिलने वाला है। और पहले हम लोग एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रियर साइड में आते हैं तो रियर साइड में आप देख सकते हो इसका जो टेल लैंप है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है यहाँ पे आपको देख सकते हो। और यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्मार्ट हाइब्रिड का आपको यहाँ पे बैचिंग मिल जाता है। स्पॉयलर जो है आपको इसमें कुछ इस तरह का आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है इसका शार्क फिन एंटीना जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है हमारे इस फ्रॉन्क्स को, जो कि काफ़ी इनहेंस और काफ़ी मतलब निखर के आता है हमारा ये लुक। यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन जो आपको दिख रहा होगा 3D काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी मतलब प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। बाकी हम लोग मिडिल में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको मारुति की बैचिंग मिलती है, और साथ ही साथ जो है आपको रोयर वाइपर वॉशर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉशर मिलेगा और साथ ही साथ जो है डिफॉगर के साथ इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्रॉन्क्स की बैचिंग मिल जाती है, और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसमें आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा। अगर हम लोग इसमें बात करें कि सेंसर की, तो सेंसर आपको जो है इसमें देख सकते हो 4 इसमें आपको सेंसर देखने में मिल रहा है। और अगर बूट की बात करें तो बूट साइज देख सकते हो आप लोग, अप्रॉक्स 350 लीटर की इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे देख सकते हो आपको बूट लैंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर स्पेयर व्हील की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेयर व्हील आपको डाउन साइड में आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी है।
और अब हम लोग चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का इसमें आपको इंटीरियर मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो है हम इसका डोर देख सकते हैं, डोर जो है कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, इनफैक्ट ओवर बीम कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है, फैब्रिक के साथ यहाँ पे आपको स्टिचिंग किया जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें आपको इंटीरियर होने वाला है। स्ट्रेडिंग देख सकते हैं, स्ट्रेडिंग कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है मिडल में आपको यहाँ पे आपको मारुति की बैचिंग मिल जाती है। और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी इसमें आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है यहाँ पे से आप मोड चेंज कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूट का आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है कॉल पिक करने, रिजेक्ट करने के लिए और वॉइस कमांड के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है। बाकी अगर हम लोग बात करें इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिलेगा। और साथ ही साथ देख सकते हो आप लोग इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ डाउन शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको हजार्ड का ऑप्शन मिलता है। और साथ ही साथ जो है उसके नीचे हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें मिल रहा है। उसके नीचे आप यहाँ आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, तो जो कि आपको वायरलेस चार्जिंग में अवेलेबल मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ये मिलने वाली है। इनफैक्ट ये आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगी। और अगर सीएनजी में भी आ चाहते हैं आप लोग तो सीएनजी में आपको सेकंड बेस और बेस ये आपको मिलने वाली है। अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी इसमें आपको लेग स्पेस मिल रही है। सीट को मैं आगे कर लेता हूँ तो ये देख सकते हो, जैसे ही आगे भी मैं कर लेता हूँ फिर भी इसमें आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा है। इसके रियर प्रोफाइल पे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आपको जो है आर्मरेस्ट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो IRVM है, IRVM आपको मैनुअल मिलने वाला है यहाँ पे कुछ इस तरह का इसमें आपको मिलेगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में दोनों आपको जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। इनफैक्ट रियर साइड में आपको 3 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको कोई भी आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये आपको 70/30 के रेशियो में आपको ओपन होती है, तो काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें, अगर रियर प्रोफाइल से मैं देख रहा हूँ तो ये आपको 3 तरह का इसमें आपको कलर मिलेगा, जो कि हमारा एक हमारा ये ब्राउन टाइप हो गया, सेकेंड हमारा ब्लैक हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रे यानी रूफ ग्रे, यानी कि 3 कलर का मिक्सचर है। बट बेसिकली बोल सकते हैं डुअल टोन में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब नो डाउट बहुत ही अच्छी है। बट यहाँ पे देख सकते हो, बट यही है कि यहाँ पे मिडिल में जो है आपको ये जो बम्प है थोड़ा ये आपको ज़्यादा मिलने वाला है। बाकी आप कंफर्ट के अनुसार आप बताना कि आपको जो कैसी लग रही है। रियर साइड में भी आपको यहाँ पे एसी वेंट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ जो है इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का 2 आपको पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ओके गाइस, होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग चलो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।